इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फ्रेंड्स कि आप अपने फेसबुक अकाउंट को कैसे डिलीट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं अपने फेसबुक अकाउंट को परमानेंटली हमेशा के लिए डिलीट करना, तो आप बहुत ही आसान तरीके से अपने फेसबुक अकाउंट को यहां पर डिलीट कर सकते हैं। देखिए, इसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में फेसबुक एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। चलिए यहां पर देखिए, हम आपके सामने फेसबुक एप्लीकेशन को ओपन करते हैं। यहां पर कोई भी रीजन हो सकता है, किसी भी कारण अगर आप अपने फेसबुक अकाउंट को डिलीट करना चाहते हैं, या फिर अपने एक ही नंबर पर बहुत सारे मल्टीपल अकाउंट बना रखे हैं, या फिर आपके पास बहुत सारे मल्टीपल अकाउंट हैं, जैसे कि हम यहां दिखा सकते हैं हमारे पास बहुत सारे अकाउंट, तो हम यहां पर उस अकाउंट को डिलीट करना चाहते हैं। जैसे देखिए, ये वाला अकाउंट है, हम इसे डिलीट करना चाहते हैं। मैंने एक ही नंबर पे बहुत सारे अकाउंट बना रखे हैं और मेरे पास बहुत सारे अकाउंट हैं, तो मुझे यहां पर डिलीट करना है। देखिए, डिलीट करने के लिए क्या करेंगे, सबसे नीचे चले आएंगे और नीचे आने के बाद देखिए आपको एक ऑप्शन मिलेगा सेटिंग प्राइवेसी का, आप क्लिक करेंगे। इसके बाद देखिए यहां पर सेटिंग मिलता है, तो आप सेटिंग पर क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरीके से देखिए यहां पर ओपन हो जाएगा। आपको देखिए पर्सनल डिटेल्स पर क्लिक करना है, आपके सामने इस तरीके से ओपन हो जाएगा। आपको नीचे आना है और यहां देखिए पर्सनल डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। देखिए आपके जो मोबाइल नंबर होगा वो आपको शो हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपकी जो डेट ऑफ बर्थ शो हो जाएगी। इसके नीचे देखिए लिखा हुआ है अकाउंट ओनरशिप एंड कंट्रोल, तो आप यहां पर क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरीके से आ जाएगा। नीचे देख सकते हैं यहां पर लिखा हुआ है डिलीट, यहां पर देखिए डिलीटेशन या डीएक्टिवेशन, दोनों कर सकते हैं आप, चाहे डीएक्टिवेशन करना चाहे और डिलीट भी करना चाहे, तो हम इसी पर क्लिक करेंगे। इसके बाद देखिए हमारे सामने इस तरीके से आएगा, अपने नेम के ऊपर आप क्लिक करेंगे, एक बार आपके सामने दो ऑप्शन आ जाएंगे। अगर आप अपने अकाउंट को टेंपरेरली डीएक्टिवेट करना चाहते हैं कुछ समय के लिए, तो इस ऑप्शन से क्लिक करके आप कंटिन्यू करके उसे डीएक्टिवेट कर सकते हैं। डिलीट करना चाहते हैं, लिखा है डिलीट अकाउंट, तो यहां पर आप अपने अकाउंट को डिलीट कर सकते हैं। चलिए मैं यहां पर क्लिक करता हूं, इसके बाद नीचे आएंगे और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, हमारे सामने कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो यहां पर आपको कोई भी एक रीजन सेलेक्ट कर लेना है, आप कोई भी रीजन सेलेक्ट कर सकते हैं कि किस कारण से अपने अकाउंट को डिलीट करना चाहते हैं, आप कोई भी सेलेक्ट कर लीजिएगा। चलिए मैं फर्स्ट वाला ही कर लेता हूं, देन कंटिन्यू के ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे, हमारे सामने इस तरीके से आ जाएगा। इसके बाद देखिए आपको नीचे कंटिन्यू का ऑप्शन मिलता है, आप सिंपली कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पर देखिए आपको लिखा हुआ है डाउनलोड योर फेसबुक इंफॉर्मेशन, अगर आपने कुछ फोटोज, जैसे कि यहाँ पर देखिए आपको लिखा हुआ है फोटोज या भी कोई भी चीज़ है, तो उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने ऐसी फालतू आईडी बना रखी है, या फिर आप कुछ भी आपको डाउनलोड नहीं करना, सिर्फ डिलीट ही करना चाहते हैं, देन कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरीके से देखिए नेक्स्ट पेज आ जाएगा। यहाँ पर आपको पासवर्ड डालकर कंटिन्यू पर क्लिक करना है, जिससे आप देखिए यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, पासवर्ड डालने के बाद आपके सामने अगला पेज इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पर देखिए आपको एक वार्निंग है, या फिर आप इसे ये कह सकते हैं नोटिफिकेशन है आपके लिए, लिखा है कंफर्म परमानेंट अकाउंट डिलीटेशन, आपसे ये पूछ रहा है कि आप अपने अकाउंट को जो डिलीट करना चाहते हैं वो आपका अकाउंट डिलीट कर दिया जाएगा। आज अगर आप डिलीट पर क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट प्रोसेस पर रहेगा और 30 दिनों के बाद आपका अकाउंट परमानेंटली डिलीट कर दिया जाएगा, फिर आप उसे दोबारा एक्सेस नहीं कर पाएंगे। अगर आप चाहते हैं 30 दिनों के अंदर उसे आपका मूड चेंज हो जाता है, या फिर किसी मन से आप फिर से अपने अकाउंट को लॉगिन करना चाहते हैं, तो 30 दिनों के अंदर अगर अपने अकाउंट को आप लॉगिन कर लेते हैं तो आपका अकाउंट कभी भी डिलीट नहीं होगा। अगर 30 दिनों तक आप यहां से डिलीट करने के बाद, प्रोसेस में डालने के बाद 30 दिनों तक अपने अकाउंट पे लॉगिन नहीं करेंगे, कोई भी एक्टिविटी नहीं करते हैं, तो आपका अकाउंट परमानेंटली डिलीट कर दिया जाएगा, आप उसे दोबारा एक्सेस नहीं कर पाएंगे, इसके सर्वर से ही आपका अकाउंट हटा दिया जाएगा। तो यहां पर देखिए हम डिलीट पर क्लिक करते हैं, आप इसे रीड कर सकते हैं, अगर आपको वाकई में डिलीट करना है तो आप डिलीट पर क्लिक करेंगे, अगला पेज आपके सामने इस तरीके से आ जाएगा और यहां देखिए आपका जो अकाउंट है वो डिलीट हो जाएगा, सस्पेंड देख सकते हैं लिखा हुआ है, एक्सपायर्ड, बैक होकर आपको वापस आ जाना है। अब यहां पर अपना कोई दूसरा अकाउंट लॉगिन कर सकते हैं, या फिर आप 30 दिनों तक उस अकाउंट को लॉगिन नहीं कर रहे हैं, बाकी और कोई भी अकाउंट यहां पर आप लॉगिन कर सकते हैं, उसे यूज कर सकते हैं, और आपका जो ये अकाउंट है ये 30 दिनों के बाद परमानेंटली हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगा। सो मैं आशा करता हूं छोटी सी वीडियो थी, वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और वीडियोस कैसा लगा हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। धन्यवाद।